नमस्ते दोस्तों, दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट ऑन रिक्वेस्ट बाय सम स्टूडेंट. सो फर्स्ट लिसन वेरी वेरी केयरफुली. द स्टेटमेंट फॉर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट एंड दिस इज पोर्शन ऑफ अ सीरीज यूनिट 4 ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1 ऑफ सेमिस्टर 3. सो स्टेटमेंट ऑफ कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट इज इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉन निगेटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. इन सबके मीनिंग क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम एक्सप्लेन करेंगे. इंटीग्रेबल फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 सच दैट एफ ऑफ एन इज जनरल टर्म यू एन ऑफ सीरीज यू एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन देन सीरीज यू एन एंड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to x from 1 to infinity either both converges or both diverges. एक बार फिर से कहते हैं, कोई function f of x यदि non-negative हो, monotonic decreasing हो और integrable हो for x greater than 0, और function में x को यदि हम n से replace करें तो जो मिलता हो उसको यदि un से डिनोट कर दें और उस un से सीरीज फॉर्म करें, सीरीज un, देन द सीरीज un एंड इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बोथ विल आइदर कॉन्वर्ज टुगेदर और डाइवर्ज टुगेदर. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट. नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट. बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट शो दैट सीरीज 1 बाय एन पावर पी एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वेयर पी इज कॉन्स्टेंट कॉन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस फॉर पी लेस देन और इक्वल टू 1. तो स्टेप्स वाइज सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं. स्टेप 1 डिनोट ये जो सीरीज दी है इसको डिनोट करते हैं सीरीज यू एन इज इक्वल टू सीरीज 1 बाय एन पावर पी एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वेयर पी इज कॉन्स्टेंट. अब ये जो 1 अपॉन एन पावर पी है ये यू एन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पावर पी. पी कॉन्स्टेंट है, n नेचुरल नंबर है, n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हो रहा है यहां से, n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. तो 1 अपॉन n पावर p विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और एट इन्फिनिटी दिस विल बी इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट f ऑफ n विच इज इक्वल टू यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पावर पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब इसी को देखते हुए हम f ऑफ x लिख सकते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन n की जगह x रिप्लेस किया तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x पावर p फॉर ऑल x लाइंग इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 इन्फिनिटी 1 ऑनवर्ड्स. ठीक है, इनको कुछ नंबर देते चले जा रहे हैं. ये एफ एन को नंबर दे दिया है 1, ये एफ ऑफ एक्स को नंबर दे दिया है 2. नाउ स्टेप 2,
एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन नेक्स्ट नंबर के लिए फंक्शन को प्रीवियस एफ ऑफ एन से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो एफ ऑफ एन है वन अपॉन एन पावर पी, वन अपॉन एन पावर पी माइनस वन अपॉन एन प्लस वन पावर पी. एफ ऑफ एन प्लस वन क्या करेंगे, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस करेंगे. अब यदि इसका सब्ट्रैक्शन करें वन अपॉन एन पावर पी माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का पावर पी. देखो एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एन, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो लेस हो जाएगा, पावर दोनों जगह सेम है. तो ये फर्स्ट टर्म इज बिगर देन सेकेंड टर्म, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर टर्म में से स्मॉलर टर्म, तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. क्या मिल रहा है हमको, एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. तो ये माइनस टर्म को उधर शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, तो मिलेगा एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस वन. किसके लिए, व्हेन एन इज लेस देन एन प्लस वन, मतलब नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर एक्स एक्सिस पर बढ़ते जा रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है. एफ ऑफ एन बड़ा है, एफ ऑफ एन प्लस वन छोटा है, तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है. तो ये जो एक्शन है, ये एक्शन से समझ में आएगा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. ये रिलेशन को नंबर दे दिया है थ्री. ओके, नाउ स्टेप थ्री, वी फाइंड दैट नंबर वन इंप्लाय एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दिखा है. एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वन इंप्लाय एफ ऑफ एन इन एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन निगेटिव फंक्शन. सेकेंड, एफ ऑफ एक्स है वन अपॉन एक्स पावर पी, एक्स लाइंग बिटवीन वन इंक्लूडिंग वन टू इन्फिनिटी, तो हर जगह ये मीनिंगफुल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो टू इंप्लाय फंक्शन इज इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज्ड सेमी क्लोज इंटरवल वन टू इन्फिनिटी. एंड थ्री, रिलेशन थ्री गिव्स एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस वन. अभी बताया एक्शन से, थ्री इंप्लाय फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. तो ये तीनों कंडीशन है, ये कॉची इंटीग्रल टेस्ट की है, सेटिस्फाई होते दिख रही है, तो वी कैन अप्लाई कॉची इंटीग्रल टेस्ट. यस, हेंस कॉची इंटीग्रल टेस्ट इज अप्लीकेबल विच इंप्लाइज सीरीज यू एन एंड इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर. तो अब इंटीग्रल फाइंड करते, इंटीग्रल नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटी. अब ये जो वन टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल है डायरेक्ट नहीं इवेल्यूएट होगा, इसको हम फाइनाइट इंटीग्रल का लिमिट लेकर इवेल्यूएट करेंगे. तो फाइनाइट इंटीग्रल वन टू एन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. इंटीग्रल में लिमिट वन से एन है और एन टेंस टू इन्फिनिटी, इट मीन्स इंटीग्रल फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. लिमिट वन टू एन, लिमिट ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ एक्स इज वन अपॉन एक्स पावर पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, चलने दो इसको आगे आगे. लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम वन टू एन वन अपॉन एक्स पावर पी इज एक्स पावर माइनस पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी एक्स पावर एन के समान है इंटीग्रल, तो एक्स पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. यहाँ हो जाएगा एक्स पावर माइनस पी प्लस वन अपॉन माइनस पी प्लस वन, लिमिट्स है वन टू एन. और ये जो कुछ होगा उसका लिमिट लेना है बाद में हमको एन टेंस टू इन्फिनिटी. अब ये तो डिनोमिनेटर वन माइनस पी है, इसको लिमिट के बाहर कर दिया, वन अपॉन वन माइनस पी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपनी जगह पर है. एक्स के लिए ये पुट करते हैं, एक्स पावर वन माइनस पी, ये माइनस पी प्लस वन को लिख दिया, एक्स पावर वन माइनस पी लिमिट वन टू एन. तो एक्स के लिए पहले पुट करते हैं एन, तो ये हो गया एन पावर वन माइनस पी, और फिर एक्स के लिए वन पुट करते तो माइनस वन पावर वन माइनस पी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेना है इसका, ये जो कुछ आएगा उसका. अब वन का पावर वन माइनस पी
तो अब ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वन का पावर पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, इट विल ऑलवेज बी वन, इस पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एन का पावर वन माइनस पी, इस पर फर्क पड़ेगा, वन माइनस पी पॉजिटिव है या वन माइनस पी नेगेटिव है, उससे ये जो फर्स्ट टर्म है इस पर असर पड़ेगा। तो यहाँ कंडीशंस ले लेते हैं, वन माइनस पी ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस पी लेस देन जीरो पी। हाँ ये तो आगे सेम, एन पावर वन माइनस पी माइनस वन, वन अपॉन वन माइनस पी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये ध्यान में रखेंगे, एन पावर वन माइनस पी। नाउ चलो यहीं पर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। इफ दिस पावर इफ दिस पावर इज पॉजिटिव, वन माइनस पी इज पॉजिटिव, मतलब वन माइनस पी यदि ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो एन का पावर पॉजिटिव नंबर और एन टेंस टू इन्फिनिटी विल गिव इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म का लिमिट इन्फिनिटी। एंड वन माइनस पी इज लेस देन जीरो, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसका मतलब अब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन अपॉन एन पावर सम पॉजिटिव नंबर, सम पॉजिटिव नंबर, हियर विल बी सम पॉजिटिव नंबर। और जब इसका लिमिट लिया जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा एंड दैट विल बी टेंडिंग टू जीरो। मीन्स वन माइनस पी के साइन पर डिपेंड करता है फर्स्ट टर्म का लिमिट, व्हेन इट इज पॉजिटिव लिमिट इज इन्फिनिटी, व्हेन इट इज नेगेटिव वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन अपॉन एन का पावर सम पॉजिटिव नंबर और वन अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा एंड दैट टेंस टू जीरो। इतनी बातों को आगे एक्सप्रेस किया है। सो दिस इज वन अपॉन वन माइनस वन माइनस पी अपनी जगह है, इन्फिनिटी माइनस वन कॉन्स्टेंट था उसका लिमिट तो वन ही होगा, व्हेन वन माइनस पी इज ग्रेटर देन जीरो एंड व्हेन वन माइनस पी इज लेस देन जीरो लिमिट इज जीरो। ओके नाउ इन्फिनिटी में से कुछ माइनस किया प्लस किया रिजल्ट विल बी इन्फिनिटी। तो फर्स्ट गिव्स इंटीग्रल की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन पी इज लेस देन वन, यहाँ वन माइनस पी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये माइनस पी को उधर शिफ्ट कर दो तो पी इज लेस देन वन बन गया, और यहां से पी ग्रेटर देन वन के लिए ये माइनस साइन को एडजस्ट कर देते, वन अपॉन वन माइनस पी इंटू माइनस वन है तो इट बिकम्स वन अपॉन पी माइनस वन इफ पी इज ग्रेटर देन वन। तो दो केसेस तो यहां आ गए, पी लेस देन वन और ग्रेटर देन वन, पी इक्वल टू वन को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। तो फॉर पी इक्वल टू वन स्टेप नेक्स्ट स्टेप में बात करते इसकी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स था वन अपॉन एक्स पावर पी, तो पी की वैल्यू वन होने से एफ ऑफ एक्स हो गया वन बाय एक्स ओनली, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल वन टू एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स रखा वन बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिमिट वन से एन, पहले x के लिए लिखो अपर लिमिट log n माइनस log 1, log 1 तो हो जाएगा 0, तो बचा अकेला log n, और ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है आखिरी तक के। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ log n वो ले लेते, तो log n n टेंस टू इन्फिनिटी log इन्फिनिटी आ जाएगा, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कब कब मिल रहा है हमको, वेन p इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी दिख रही है, व्हेन पी इज लेस देन वन इंटीग्रल इन्फिनिटी दिख रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड। सो कंक्लूजन इज इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी कॉन्वर्जेस फॉर पी ग्रेटर देन वन, फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, एंड डाइवर्जेस
for p less than or equal to 1. Therefore, by Cauchy's integral test, series, infinite series un, which is series 1 by n power p, n varying from 1 to infinity, converges for p greater than 1 and diverges for p less than or equal to 1. इस तरह से कॉची इंटीग्रल टेस्ट के प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, टेस्ट द कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट। तो डिनोट सीरीज यू एन एज गिवन सीरीज 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, सो यू एन विल बी 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, तो लेट दैट यू एन बी एफ ऑफ एन, सो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो स्क्वायर क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, प्लस 1 होने से पॉजिटिव हो गया। अब जब वेरी लार्ज नंबर होगा यानी एट इन्फिनिटी, इट विल बी 1 अपॉन इन्फिनिटी विच विल टेंड्स टू 0। So this is greater than or equal to 0 for all n belongs to set of natural number। इसको दे दी number 1। ये non negative बताएंगा, function is non negative। अब इससे हम f of x लिख लेते हैं, f of x ये है ना n belongs to n, मतलब ये discrete function हो गया, n equal to 1 2 3 इसके लिए बात हो रही है। और अब हमको integration के लिए continuity चाहिए, तो यहाँ से हम इंटरवल में फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एन की जगह एक्स रिप्लेस किया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 इन्फिनिटी। अब फंक्शन में से उसका कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू के लिए फंक्शन की सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस 1, एफ ऑफ एन था 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस अपनी जगह है n प्लस 1 के लिए फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो n स्क्वायर प्लस 1 और n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 दोनों में रिलेशन क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्मॉल होगा n प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 से, ऐसा कहो ना n स्मॉल है n प्लस 1 से, तो n स्क्वायर स्मॉल होगा n प्लस 1 के स्क्वायर से, दोनों तरफ ऐड किया तो एन स्क्वायर प्लस 1 स्मॉल होगा एन प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 से, तो उसका रेसिप्रोकल अपोजिट साइन का हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल विल बी नाउ ग्रेटर देन दिस टर्म। ठीक है, इसको लिखकर बता देते हैं, सी एन इज लेस देन एन प्लस 1, एन स्क्वायर इज लेस देन एन प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करते एन स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इनका रेसिप्रोकल, देयरफॉर 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब हम इन्फिनिटी की तरफ बात लेकर जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर लेते, तो अभी बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर यदि माइनस करेंगे तो साइन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, साइन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एन बिलोंग्स टू एन। तो ये हो गया एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन प्लस 1, यानी एक्स एक्सिस पर ऐसा कहो एन बढ़ रहे, एन प्लस 1 बढ़ रहे और फंक्शन की वैल्यू कम होते जा रही है, तो ये बताएगा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू की वजह से कहीं कांस्टेंट हो सकता है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएंगे। नाउ इसको नंबर दे दिया 3, इसको 3 दे दिया है, तो अब सबको इंटरप्रेट कर लो, वी फाइंड दैट ये एक फॉर्मेट में रखा है पूरा सॉल्यूशन, नंबर 1 इंप्लाई फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, नंबर 2 इंप्लाई फंक्शन इज इंटीग्रेबल, नंबर 3 इंप्लाई फंक्शन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। देयरफॉर बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट सीरीज यू एन
एन इंटीग्रल बोथ कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर, ये सारी बातें जैसे इसके पहले वाले प्रॉब्लम में की थी, बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट सीरीज एन इंटीग्रल कॉन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर। नाउ फाइंड इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज लिमिट ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल वन टू एन फ्रॉम वेन एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसका इंटीग्रेशन हो गया टेन इनवर्स एक्स, लिमिट है वन से एन, रखो एक्स की जगह पर टेन इनवर्स एन माइनस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स एन तो रहेगा अपनी जगह, टेन इनवर्स वन हो जाएगा पाई बाय फोर। अब इसका लिमिट लेना है एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड पाई बाय फोर इज कॉन्स्टेंट, उसका लिमिट रहेगा पाई बाय फोर। इन्फिनिटी में से कुछ क्वांटिटी फाइनाइट क्वांटिटी सब ऐड की सबट्रैक्ट की तो इट विल बी इन्फिनिट ओनली। तो इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इन्फिनिटी, तो देयरफॉर इंटीग्रल डाइवर्जेस, इंटीग्रल डाइवर्जेस, हेंस बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट आवर सीरीज बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट सीरीज यू एन विच इज इक्वल टू सीरीज वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी डाइवर्जेस। इस तरह से कॉची इंटीग्रल टेस्ट के और भी प्रॉब्लम बुक में मिल जाएंगे आपको, बुक बाय हिमालय पब्लिकेशन। दिस इज यूनिट ऑन सीरीज, तो ये भी आप सॉल्व कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ हेल्प हो जाएगी। रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, जय गणित।